वामर तो पैदाइश है। बात करें आज दो दो फिल्मों का एक साथ मुहूर्त हुआ, संत कबीर जी की नगरी खलीलाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप में ये बहुत शुभ संकेत है कि और दोनों फिल्मों के नाम भी बड़े पॉजिटिव हैं। पहली बार इतना शुद्ध साहित्यिक और हिंदी नाम और भोजपुरी मिट्टी की खुशबू लिए हैं भाग्यवान और आपका आयुष्मान भव जो हम इतने दिनों से महाभारत सीरियल में सुनते थे, तो आशीर्वाद और भाग्यवान पॉजिटिव नाम है, दोनों पॉजिटिव नाम है, किसी नाम में कहीं से कोई नेगेटिविटी या क्रोध और किसी और रस की संभावना ही नहीं है, सिर्फ एक बहुत सकारात्मक नाम है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन भोजपुरी के लिए मेरे ख्याल से पहली बार है और अच्छा कॉम्बिनेशन है राघव और श्रुति राव का, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, इसकी कहानी को लेकर, और शायद ये इस बात के लिए राघव बंटी बाबू और शकील नियाजी इनकी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इस किरदार के लायक मुझे समझा और एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी हम तीनों लोग जब मुझे लगता है इस फिल्म में है तो। एक फिल्म के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं और दूसरे फिल्म के डायरेक्टर महमूद आलम जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम महमूद साहब के साथ तो काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लैला मजनू में भी नहीं काम कर पाया और एक फिल्म का प्रोजेक्ट बना था लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया, कोशिश करूंगा कि उसमें पूरा तो नहीं अतिथि भूमिका करूँ। संजय श्रीवास्तव और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, हम जब वो एक्टर थे तब से जानते हैं, प्लस उनके साथ मैंने 3 फिल्में कर चुका हूं, मैं ये शायद 4th फिल्म है, तो एक अभिनेता निर्देशक है और जब अभिनेता निर्देशक होता है तो अभिनय में बड़ा सहयोग मिलता है एक अभिनेता को, एक्टर को बड़ा सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि एक्टर की बारीकी एक्टिंग की बारीकियाँ वो जानते हैं और पकड़ते हैं, खुद एक एक्टर है तो मुझे लगता है कि हमें एज एन एक्टर हम सबको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस फिल्म में। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाकी तो भैया ने बता ही दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मेरा मैं बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, मेरे एम इसीलिए फिल्म का नाम भाग्यवान भाग्यवान रखा गया है। जी, और बहुत काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ और बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी जोड़ी जो है इस फिल्म में, मैं बेटा हूँ, भैया मेरा मेरे बाप है, एक बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है लोग पसंद आवे और स्क्रीन पे इतना अच्छा लगे कि मतलब पब्लिक भी खुश हो और देखने वाले भी खुश हो और हमारे प्रोड्यूसर भी काफ़ी खुश हो। केमिस्ट्री आई थिंक अच्छी होनी चाहिए, हमारी पहली फिल्म है, काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा उन्होंने काम किया है, दिनेश जी खसारी जी सबके जो हमारे स्टार हैं सबके साथ उन्होंने काम किया है और मैं बहुत खुश भी एक्साइटेड भी हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नर्वस भी हूँ काम करने के लिए क्योंकि मेरी उनके साथ पहली फिल्म है आपके साथ काम करने के लिए, नहीं, नहीं, नहीं। बाकी देखता हूँ शायद आई थिंक केमिस्ट्री अच्छी लगी, एज ग्रुप सेम है नहीं मुझे लगता है बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी क्योंकि ये भी बहुत सपोर्टिव एक्ट्रेस हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। एक्टर एक्टर अगर हस्बैंड वाइफ हो स्क्रीन पे तो लगना चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ लगना चाहिए, लगने चाहिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तो आधा काम तो वो कर देता बाकी एक्टिंग, तो बाकी आधा काम आपका लुक आपकी केमिस्ट्री और बहुत सारी चीजें हमें एक सिनेमा में वर्क करती हैं, इसीलिए जो है साड़ी और आपने कोट पहन के हमारे तैयारी अभी से है इन लोगों की, शूटिंग हमारी कल से है लेकिन ये लोग अभी से मेंटली प्रिपेयर है इस बात के लिए। ऐसा कुछ नहीं, इत्तेफाक है, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये स्मृति जी क्या पहनने वाली है और साथ उन्हें भी पता ही नहीं होगा, नहीं हमने कॉल करके डिसाइड किया था कि आप ये पहनिएगा, मैं ये पहनूंगी, हां ओके, बट हम अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट, अब इसको कुछ और मत लीजिएगा, इनको तो मसाला आपने दे दिया, हां वो तो वी आर जस्ट फ्रेंड्स बोल के आपने बता ही दिया सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बार बार एक आवाज़ उठती है, हालांकि वो बेवजह की आवाज़ें हैं, मैं साफ बताना चाहूँ कि 2 फिल्में तो जो हैं आपके सामने हैं और अभी और भी जो फिल्में बन रही हैं इस तरफ उत्तर प्रदेश में जो फिल्में शूट हो रही हैं लगभग मैं कर रहा हूँ सभी अच्छी फिल्में हैं और ये 2 फिल्में तो उनके तो नाम से ही जाहिर है और जो जो जिस दिमाग से ये सोच निकली है मुझे, मैं उस सोच को बधाई देना चाहूँगा, उस दिमाग को बधाई देना चाहूँगा, उस राइटर को, उस प्रोड्यूसर को, जो लोग उस मिल के इतनी मेहनत कर रहे हैं, बंटी बाबू और राघव हैं, ये लोग इनकी एक अपनी टीम है जो बहुत पॉजिटिव तरफ काम कर रही है, पॉजिटिविटी की तरफ, तो मुझे लगता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये फिल्म और इनकी 2 फिल्म और रेडी हैं रिलीज़ के लिए, मैं इत्तेफाक से मेरा सौभाग्य 3री फिल्म में शामिल होने का हुआ है उनके साथ,
तो मुझे लगता है कि हम भोजपुरी को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा की ओर हम चल चुके हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमारे फिल्म सबसे हटके है, हम लोग अच्छी फिल्म अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस अच्छा कोशिश कर सकते हैं कि नीट एंड क्लीन दावा नहीं करते हैं कोशिश करते हैं फैमिली के साथ देख सकते हैं और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हाँ, कोशिश ही कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं और दावे बिखर जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, न दावा कर रहे हैं न कोई वादा कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाग्यवान को लेके जब मैंने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सुना था, टच होट मुझे बहुत पसंद आया था, इवन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए, सोच रही हूँ कि क्या डिफरेंट करूँ, बिकॉज अब तक जितना भी किया है सब डिफरेंट था, तो कुछ अलग करने के लिए मिला इस फिल्म में। एंड थैंक यू, मैं करना चाहूँगी स्पेशली संजय श्रीवास्तव जी, बंटी जी का, राघव जी का और संजय पांडे जी का, जो कि इस फिल्म का पार्ट है और इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, नयाजी जी का, मतलब जग्गी पाजी भी हैं, मतलब जितने भी टीम हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए और सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करूँ, तो ये कॉन्सेप्ट आया डिफरेंट के लिए, तो फिर तो भाई करना ही था। बहुत एक्साइटेड, डिफरेंट रोल है, बहुत ज्यादा है, लाइक हीरोइन ओरिएंटेड मूवी बता सकते, रोका जा रहा, वरना हम तो उछल के कहानी बता दें अभी। हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आप बार बार हमें छेड़िए मत, वरना हम बता ही देंगे। नहीं 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 नहीं, प्रोड्यूसर आ जाएगा सामने, बंटी मैम बैठे, शकील मैम, इसलिए हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं भाई साहब। मगर ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने मतलब अब तक मैंने अपने इतने साल के करियर में सब बोलते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बस इतना। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ढेर सारी फिल्में अलग अलग कॉन्सेप्ट काम की हुई, कॉन्सेप्ट वाइज कौन कौन फिल्में और ऐसी फिल्में कौन कौन सा आपकी आने वाली हैं? आने वाली बहुत लंबी लाइन है, जिसका नहीं नाम लूंगा वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज हो जाएंगे, एक डायरेक्टर तो यहीं बैठे हुए संजय श्रीवास्तव जी, उनकी भी दो फिल्में हैं, सो प्लीज ये रिलीज के नाम मत पूछिए कि कौन कौन सी रेडी है। लगभग 15 फिल्में ऐसी हैं जो एकदम ऐसे तैयार बैठी हैं बॉक्स ऑफिस पर बूम करने के लिए। राघव जी के लिए क्या फ्यूचर राइजिंग स्टार? राघव बाबू बहुत मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत पॉजिटिव आदमी है, बातचीत में लाइव है, एक्टर को तो पहले तो लाइव होना चाहिए, मुझे वो बहुत लो साउंड वाले और बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के अभिनेता कभी समझ में भी नहीं आते हैं, किरदार गंभीर होता है, अभिनेता नहीं गंभीर होता, अभिनेता तो मस्त होता है, बहता पानी रमता जोगी होता है, तो ये बहता पानी रमता जोगी है, इसलिए कलाकार को किरदार में ढलना आसान होता है, अगर किरदार कलाकार ही ट्रेजेडी वाले मूड में चला जाएगा, तो सबसे बड़ी इनकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत लाइव हैं ये और सीखने की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये दो चीज़ें अभिनेता के अंदर हो तो बाजी जीत लेता है। मतलब कह सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा भी एक नया सितारा मिलने जा रहा है। ऑब्वियसली एक नया सितारा, एक अच्छा अभिनेता, हम सब स्टार खोजते हैं, मैं बात करता हूँ स्टार एक्टर की, तो एक अच्छा स्टार एक्टर मिलने वाला। स्टार वाली बात की जाए, जैसे भोजपुरी में प्रेजेंट टाइम 3 सुपरस्टार हैं, इसके अलावा और भावी सुपरस्टार किसको देखते हैं आप आने वाले? पहली बात तो हम जो सुपरस्टार में कैटेगराइज कर देते हैं, हिंदी वालों ने सुपरस्टार हटा दिया, हम भोजपुरी वाले पूछ पकड़ के बैठे हैं सुपरस्टार की, हिंदी में कोई स्टार नहीं है, सब एक्टर है, अजय देवगन, आमिर खान, अक्षय कुमार, अब वो एक्टर हो गए, हम लोग उनको 20 साल पहले फॉलो कर रहे हैं, अभी भी हम सुपरस्टार की पूछ पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी हीरो के नाम के साथ सुपरस्टार ना जोड़ो तो पीआरओ का पैसा रुक जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो भाई मैं सुपरस्टार नहीं चाहता इनको, मैं चाहता हूँ सुपर एक्टर बने, सुपर एक्टर बने, सुपर स्टार स्टार है नहीं बाबू यार। फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना? मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग की जो नाराजगी रहती थी कि हम परिवार के साथ फिल्में नहीं देखते, तो अब परिवार के साथ ही फिल्में आ रही हैं और उसी कड़ी में अगला कदम है भाग्यवान और आयुष्मान, और बहुत जोरदार कदम है, थैंक यू। शकील नियाजी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी लिखी हुई दो दो फिल्मों का आज मुहूर्त किया गया, भव्य पैमाने पे किया गया, क्या कहना चाहें, कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड है, पूरी टीम का कितना सपोर्ट मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और एक्साइट बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरी आज दो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है, और बाबा मोशन फिल्म जिसके प्रोड्यूसर शंभू वर्मा हैं और हीरो राघव पांडे हैं, श्रुति राव, संजय पांडे जी का भी अच्छे कलाकार हैं, और दो जब ऑफिशियली दो फिल्मों का मुहूर्त है तो बहुत ज़्यादा खुशी है और हर कोई खुश रहता है। हीरो राघव पांडे, हीरोइन अलग अलग, श्रुति राव और तनुश्री, क्या कहना चाहेंगे? दोनों कॉन्सेप्ट अलग है इसलिए हीरोइन भी अलग अलग है। कौन सी फिल्म की शूटिंग पहले होगी और कौन बात? भगवान की पहले होगी और उसके बाद आयुष्मान भाव। ठीक है,
तो भाग्यवान कब से करना शुरू? भाग्यवान कल से स्टार्ट हो रही है। आयुष्मान? आयुष्मान 16 या 17 अक्टूबर से। लोकेशन? लोकेशन खलीलाबाद के आसपास है। दोनों फिल्मों जी सेम से। तो दोनों फिल्मों के बारे में कुछ बताएं दर्शकों के, क्या यूनिक होगा, क्या यूएसपी होगा दर्शकों के लिए, क्या नया? ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बट दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, यूनिक है और लोगों को पसंद आएगा जी। दोनों फिल्मों की कहानी एक साथ लिखने में कितना आपको दिमाग लगाना पड़ा था कि नहीं? एक साथ तो दोनों नहीं लिख पाए, एक एक करके लिखे हैं, पर दोनों फिल्मों में करीब मेरा 3-3.5 महीना गया। तो फिल्म के हीरो जो हैं, जैसे कि टीवी स्टार हैं, एक फ्रेश फेस है भोजपुरी सिनेमा के लिए, जो भी देख रहा बोला कि वाह भोजपुरी के लिए कुछ नया आ रहा है, एक नया चेहरा आ रहा है, तो उनको ध्यान में रख के आपने फिल्में लिखी हैं या फिल्म लिखने के बाद कास्टिंग में यही फीडबैक रहे थे? नहीं, पहले तो सबसे मायने रखता है कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तभी आपकी चीज़ें चलें, और कॉन्सेप्ट अगर एक्टर बाकी चीज़ें परफेक्ट हो जाएं तो फिल्म और निखर के आती है। तो इसलिए कास्टिंग करेक्टर के हिसाब से की गई है, हीरो देख के नहीं लिखी गई है कहानी। तो दोनों फिल्मों में हीरो फिट बैठे हैं? फिट बैठे, क्योंकि अगर वो नहीं फिट बैठते, जिस तरह हर फिल्मों में, जैसे भाग्यवान में संजय पांडे जी हैं, आयुष्मान भाव में सुशील सिंह हैं, इसलिए हीरोइन भी दोनों में अलग अलग हैं, क्योंकि वो फिट थे इसलिए दोनों फिल्मों में। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा बैनर एक था, तो प्रोड्यूसर को भी थोड़ा ये लगा कि अगर हम एक ही हीरो को लेते हैं तो हमारा कुछ कम बेस हो। बैनर के बारे में क्या बताना चाहिए? बैनर नया है और पहले ही बैनर से दो दो फिल्मों का धमाका। नहीं, बैनर तो जैसे बाबा सब से शुरू हो रहा है, तो बाबा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, तो फिल्म भी बहुत बड़ी बनेगी और रिलीज होगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हर फिल्मों का अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, हमारी भी दो फिल्मों का अपना प्यार आशीर्वाद दें। और इस फिल्म के अलावा और कौन कौन फिल्में आप लिख रहे हैं, कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? अभी मेरी एक फिल्म कम्प्लीट हुई, आग और सुहाग। इसके अलावा मैंने अभी दो फिल्में कम्प्लीट की, एक सोना बाबू है और एक फिल्म है धमाल जी। सोना बाबू तो एक कॉमन शब्द हो गया है, हर कोई जो है लव एंगल लव बर्ड बोलते हैं सोना बाबू। नहीं तो वही कॉमन रोज सुनते हैं, चलते उठते बैठते सोते खाते पीते सोना बाबू, बाबू खाना खाया कि नहीं, तो बस वही चीज़ें दिमाग में आई और एक कॉन्सेप्ट बनाया उस काम जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। एक बाबू है उसका सोना ही सोना, सोना ही सोना। नहीं, एक बाबू है जो सोना लूटने के चक्कर में बाबू को एकदम बर्बाद कर देती है। बात करें जो है बाबा मोशन फिल्म जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा मोशन फिल्म नया बैनर अभी है और शंभू वर्मा जी प्रोड्यूसर हैं। बाबा मोशन फिल्म का टारगेट साल में 6 फिल्मों का है, अभी 2 फिल्में स्टार्ट हुई हैं और फरवरी में 2 और फिल्मों का प्लान चल रहा है, लेकिन जैसे हमारी ये भाग्यवान और आयुष्मान भाव कम्प्लीट होगी, उसके वो आगे की 2 फिल्मों की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। एक नाम जो है जो गूंज रहा है जन जन के मुख से आ रहा है, बंटी बाबा भोजपुरी का नया खबर है जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बंटी बाबा इसलिए गूंज रहा है कि थोड़ा सा उनका लुक विलन में जा रहा है, और दूसरा ये है कि उन्होंने अभी फिल्म गोरखपुरिया रंगवाज की थी, उसके बाद उन्होंने मेन विलन धनवान की है, अभी एक काफ़ी आग और सुहाग में उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है, तो कहीं ना कहीं जो फिल्में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक देख रहे हैं या जो भी फिल्में कर रहे हैं डायरेक्टर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि ये चेहरा आगे जाकर एक बड़ा नाम बनेगा। तो आपको फ्यूचर का बड़ा स्टार खलनायक के रूप में देख रहे हैं बंटी बाबा? यस। तो उनके लिए किरदार भी आप लिखेंगे सिर्फ अमर होने वाला? कोशिश तो वही है जी। तो अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से सर यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले काफ़ी फिल्में मेरी ऑडियंस ने देखा है, और ख़ास करके मेरी फिल्म अभी रंगबाज और धनवान आ रही है, जिसको अपना प्यार आशीर्वाद दें, और ये 2 फिल्में भी बहुत जल्दी आएंगी। और इसके साथ कुछ फिल्में लिख चुके हैं, इसके पहले मेरी फिल्में अभी लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था कलाकार, इसमें कल्लू जी उदय मिश्रा जी थे, और उससे पहले मैंने यश मिश्रा की फिल्म लिखी है, रानी चटर्जी की फिल्में लिखी हैं। रानी चटर्जी की फिल्म कौन सी लिखी है? रानी चटर्जी काफ़ी फिल्में लिखी हैं मैंने, फूलमला लंगार जहाँ से रानी चटर्जी एक्शन में आई, उसके अलावा रानी दिलवर जानी लिखी है, रानी बनल ज्वाला लिखी है, और भी कई फिल्में लिखी। कह सकते हैं रानी चटर्जी के फिल्म सुपरहिट फिल्म के राइटर अब दो-दो फिल्म का धमाका करने जा रहे हैं। नहीं, रानी चटर्जी की एक्चुअली फिल्में कर रही थी, बट जो हमारी स्टोरी थी फूल बना लंगार, उस फिल्म में हीरो नहीं था, जो भी था
रानी पे था, उसके बाद ही रानी का एक्शन शुरू हुआ है फूल बना लंगार के बाद। तो मतलब कह सकते हैं कि उनके आप एक नया कहानी गढ़ा उनके लिए हमने, जो कि रानी जी वो फिल्म सुपर हिट, फूल बना लंगार सुपर हिट हुई थी, जिसके निर्देशक आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मुझे चांस भी दिया था, तो फिल्म हिट हुई थी, उस फिल्म से काफ़ी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। राघव जी बात करें, आज आपकी दो फिल्मों का मुहूर्त किया गया, आयुष्मान आयुष्मान भवा, आयुष्मान आयुष्मान भवा के डायरेक्टर साहब साथ में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर के, और सर के साथ पहली बार आप आई जी डायरेक्शन में काम करने जा रहे हैं? जी सर, जी राम भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये बात सही है कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ। सर तो काफ़ी ये पुराने डायरेक्टर, मजे डायरेक्टर हैं, और अभी सर की लैला मजनू फिल्म आई थी, मैंने उसका प्रोमो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। संजय सर के साथ तो मैं, ये मेरी दूसरी फिल्म है, और उनके साथ मतलब अपना तालमेल है, बैठा हुआ है, सारी चीज़ें, उनका काम करने का तरीका, सारी चीज़ जो एक्टर जान जाता है, हाँ सर, मतलब सर को ये नीड है। लेकिन अभी सर के साथ तो ये पहली बार है, तो फिर अब सर पे ये पता चलेगा कि अपन लोग का कैसे ट्यूनिंग जमेगी, सारी चीज़ें कैसे होगी। लेकिन इतना ज़रूर भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सर बहुत ही ये मजे हुए डायरेक्टर हैं, काम करने का तरीका बहुत ही नेचुरल रहना, एक्टर से किस तरीके से हिल मिल जाना, तो काफ़ी मैंने पता किया सर के बारे में। तो आई थिंक आयुष्मान भवा भी एक मील का पत्थर फिल्म साबित होगी भोजपुरी के लिए, और अभी जैसे कि जो होता ना कि अब हमारी भोजपुरी एक वर्ष टाइम, मतलब हर चीज़ चेंज हो चुका है, फैमिली ड्रामा फिल्म बनने लगी है, और हमारी भोजपुरी थोड़ी सी मूव कर चुकी है फैमिली ड्रामा की तरफ, तो ये उस बढ़ते कदम में एक कदम आयुष्मान भवा का भी होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से जितनी टीम है, इस आयुष्मान भाव और एक भाग्यवान है, दो फिल्म में मुहूर्त हुए हैं आज, बंटी भैया को भी मैं बधाई दे रहा हूं, और इसकी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अपना शंभु पांडे जी, और हीरो है हमारे राघव जी। मुझे एक कॉल आया, तो मैं बॉम्बे में था 15-20 दिन पहले, कि एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं, और फिल्म का नाम आयुष्मान भाव, मैंने कहा टाइटल तो अच्छा है, तो मैंने कहा भैया मेरे को हीरो का फोटो भेज दो। मैं पहले से डायरेक्टर, मैंने हीरो का फोटो मंगाया, और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो लुक बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आएगा भाई, नया लड़का है लेकिन फिर मज़ा आएगा काम करने में। फिर मैंने हाँ की, और फिर हाँ करने के बाद फिर आज मुहूर्त हुआ है, और जो पहली पिक्चर इनकी शुरू हो रही है, कल से स्टार्ट हो रहा है शूटिंग हमारी, 14 अक्टूबर से मेरी होगी। इसमें राघव जी हैं, तनुश्री हैं, सुशील सिंह हैं, और संजय जी भी समय निकल जाएगा तो भी कुछ पात्र बन जाएंगे हमारे पिक्चर का, और मैं पिक्चर मतलब कोशिश करूंगा कि अच्छी बने, इसलिए कि कलाकारों के ऊपर होता है, उनकी वर्किंग काम करने के तरीके और अच्छे होते हैं जुड़ के काम करने के लिए, तो फिर पिक्चर अच्छी बन के आती है, क्योंकि उनके ऊपर होते भाई चलो भाई टाइम से हम निकल जाएँ, किस सीन पर कितना हमको मेहनत करना है, तो इन चीज़ों पर कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए डायरेक्टर के साथ में, तभी एक टीम बन के फिर अच्छी प्रोजेक्ट निकल पाता है। तनुश्री जी का और राघव जी का जो जोड़ी है, किस तरह से बनने वाली, केमिस्ट्री कैसे होने वाली? नहीं, मैंने मैंने कहानी मैंने ऑनलाइन मैंने मुझे बताया गया, मैंने देखा जैसा कि नियाजी जी हैं उन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि नहीं इस रोल में जो है तनुश्री फिट बैठेंगी, फिर हम लोगों ने बात किया, और क्योंकि एक कास्टिंग होती है हर एक फिल्म में, एक करेक्टर जो होता है, करेक्टर में हम लोग देखते हैं कि इस करेक्टर में कौन सा आर्टिस्ट अच्छा बैठेगा, तो उस हिसाब से मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। और बड़े भाई के रोल में सुशील सिंह, क्योंकि वो एक ऐसा इतना अच्छा करेक्टर था है कि उस करेक्टर के लिए सुशील सिंह थे बेस्ट, तो उनके लिए बात किया गया, और उनको भी कहानी अच्छी लगी, तो उन्होंने भी किया, वो तो गिने चुने फिल्में करते हैं सुशील जी, तो पता ही आपको, तो मैंने कहा कि सर आप कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपके लायक है सारी चीज़, तो उन्होंने भी आके। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी मैं बताना भूल गया, म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रमोद गुप्ता जी, इस फिल्म में म्यूजिक कर रहे हैं, और ये लैला मजनू में भी 4 गाने इन्होंने म्यूजिक किया था गाने, और उड़निया वाले जो इतनी अच्छी गाने हिट हुआ था और इतनी पॉपुलर हुआ था गाना, तो लोग कहते हैं देखिए क्या एल्बम के गाने को लेकर लोग उंगली डाल देते हैं कि भोजपुरी फोड़ते हैं, लेकिन साला अच्छे जब गाने बनते तो साला कोई देखता नहीं है, उसके व्यूअर नहीं होता है, तो ये गलती भी ऑडियंस की है। देखिए उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जब अच्छी फिल्म बन रही तो आप देखो ना भाई, बुरी फिल्मों को तो बुरी गाने जितने भी आते हैं अपने एल्बम वाले, आप एल्बम को कंपेयर करते हो फिल्मों से, ये दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ जो लोग नहीं देखते हैं ना, वही वही ज़्यादा उंगली करते हैं,
जो हमारी ऑडियंस से जो ऑलरेडी भोजपुरी से जुड़ी हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला, और मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे पिक्चर में काम किया, म्यूज़िक दिया, जिसको सुन के राघव जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस फिल्म का मौका दिया म्यूज़िक करने का। और मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा कि इस फिल्म के सारे गाने हिट हों और अच्छे हों और दर्शकों को पसंद आए। अब दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि सब जो सर ने कहा कि अच्छी चीज़ आती है लोग देखते नहीं हैं, उनसे यही मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल जाएं, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। मतलब परिवार के साथ आप किसी के साथ बैठ के देख सकते हैं, माँ बेटा हुआ, बेटी बाप हुई, भाई बहन हुआ, हस्बैंड वाइफ हुए, आप एक छत के नीचे एक टीवी के सामने, एक टीवी पे आप हर कोई देख सकता है फिल्म, इस फिल्म को। अब वही है कि आप जाके फिल्म देखिएगा, अपना प्यार दीजिए, जो अच्छी चीज़ें मार्केट में आनी शुरू हुई हैं तो आप उसको अप्रिसिएट कीजिए, ताकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो आपसे इंस्पायर हों और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएँ आपके लिए, आपका मनोरंजन होता रहे। राघवन पांडे जी, आज दो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है खलीलाबाद की धरती, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज फिल्म भाग्य, भोजपुरी फिल्म भाग्यवान और एक फिल्म आयुष्मान भाव, दो फिल्मों का इस संत कबीर नगर की धरती पर आज लक्ष्मी होटल में मुहूर्त हुआ है, जिसमें मैं भी एक फिल्म का हिस्सा हूँ। फिल्म आयुष्मान भाव, इसमें शंभू वर्मा ने मुझे एक बार फिर अवसर दिया, मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रोडक्शन हाउस में फिर एक बार मुझे आयुष्मान भाव फिल्म में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या किरदार निभाने वाले हैं आयुष्मान भाव? इसमें मेरा पुलिस ऑफिसर का रोल है, एक कैरेक्टर है, इसमें भी गुरुपुरिया रंगबाज की तरह एक पॉजिटिव रोल में मुझे साइन किया गया है, इंस्पेक्टर का रोल है मेरा। तो जो किरदार है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरीके से जो है दर्शकों के बीच एंटरटेनमेंट करेंगे? नहीं, पूरा पॉजिटिव रोल मिलेगा, इसमें भी मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ। और फिल्म के हीरो हीरोइन की बात की जाए, राघव पांडे जी हैं, तनुश्री उनके साथ पहली बार है स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, सुशील सिंह जी जो भोजपुरी के टॉप के विलेन कहे जाते हैं वो हैं, बंटी बाबा हैं, और आपको भी पोस्टर में फोटो दिख रहा है एकदम देसी। जी जी, वो दरअसल मैं तो राघव पांडे और बंटी बाबा के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म होगी, राघव के साथ मेरी चौथी फिल्म है, बंटी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, बंटी बाबा के साथ। तो सौभाग्य है मेरा कि इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। रही बात तनुश्री जी को, तो मैं अभी उनके साथ कोई फिल्म नहीं किया है, और मानी जानी एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी सिनेमा की बड़ा नाम है, और अच्छा लगेगा इन लोगों के साथ काम करके। सुशील सिंह सर तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं भोजपुरी सिनेमा के, वो भी एक स्तंभ हैं, उनसे कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, खुशी है कि उनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला इस फिल्म में। जी, इसके अलावा और कौन कौन फिल्में आप कर चुके हैं? सर्वप्रथम मेरी फिल्म थी कल्लू जी के साथ कलाकार, दूसरी फिल्म प्रमोद प्रेमी जी, राघव पांडे जी, बंटी बाबा और पूजा गांगुली उसमें एक्ट्रेस हैं, गोरखपुरिया रंगबाज उसको मैंने किया, तीसरी फिल्म धनवान, राघव पांडे जी, पूनम दुबे जी और बंटी जी के साथ धनवान मैंने किया, ये मेरी चौथी फिल्म है। जी, तो इसमें कितना रंगबाजी करने वाले हैं आप? रंगबाजी तो जम के करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें रंगबाजी करूँगा, और वो स्क्रीन पर्दे पर जब फिल्म बन के तैयार होगी तो लोगों को देखने को मिलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। रियल लाइफ में कितने बड़े रंगबाजी हैं आप? हाँ, वो तो देखिए, रियल और रील में बहुत अंतर होता है, रियल में तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अब रंगबाजी करने का समय ख़त्म हो गया हम लोगों का, लेकिन कोशिश किया जाता है कि जनता की सेवा और बाकी सारी चीज़ों पे खरा उतरा जाए, कोशिश किया जाता है कि जनता हमसे प्यार करे, हमसे संतुष्ट रहे, ये हम लोग कोशिश करते हैं। खलीलाबाद में अक्सर फिल्मों की शूटिंग होने लगी है, पहले हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना अवेलेबल है यहाँ पे लोकेशन फिल्मों के लिए? अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा है, देखिए यहाँ बहुत सफिशियंट, लोगों को भा रहा खलीलाबाद, ये सूफी संत कबीर नगर की धरती है, यहाँ लोकेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक है, और यहाँ लोकल आर्टिस्ट भी अच्छे मिल जाते हैं, सारी यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग नेचर के लोग हैं, हर तरह से लोगों को सुविधा मिलती है, तो लोग यहाँ जरूर कोई ना कोई फिल्म की आपको ऑलरेडी शूटिंग यहाँ होती रहती है, लोग आते रहते हैं फिल्म शूट करने। जी, अपने फैंस ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे?
ऑडियंस यही कहेंगे कि हमारी जो भी आने वाली फिल्म है उसको लोग प्यार दें, आशीर्वाद दें, जब भी थिएटर में लगे ज़्यादा से ज़्यादा जाके सुपर डुपर हिट करें और सबका आशीर्वाद प्यार हम लोगों के ऊपर बना रहे, बस यही हमारी कामना है, सबसे यही अनुरोध है, प्रार्थना है। ठीक, नमस्कार, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.